क्वेश्चन में क्या नाम है, बस वही है, अ 4 ओम वायर इज डबल्ड ऑन इट, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। एक हमारे पास वायर है, ठीक है, मान लीजिए ए बी लेंथ का मेरे पास वायर है, ये कह रहा है इसको डबल किया गया, ठीक है, यहाँ से इसको डबल कर दिया, मान लीजिए ए अभी पॉइंट यहीं पे आ गया, कह रहा है इनिशियली तो इसका रेजिस्टेंस 4 ओम था, ठीक है, अब कह रहा है इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बस यहीं से पूछ रहा है, क्लियर। कैलकुलेट करेंगे, देखिए वायर इज डबल्ड ऑन इट, वायर को डबल कर रहा है, ठीक है, अगर इनिशियली इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए था, इसका इनिशियली एरिया मतलब जो लेंथ ऑफ द वायर है वो एल है हमारे पास, तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, डबल मैंने किया तो 2a हो जाएगा, ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ ए डैश, इसका लेंथ क्या हो जाएगा हमको नहीं पता, चलिए एल डैश कर लेते हैं, मान लीजिए हमको लेंथ इसका नहीं पता कि इसका लेंथ क्या होगा, ठीक है। अच्छा, इसको जानने का एक तरीका है कि इसके लेंथ के साथ क्या होगा, वो तरीका ये है बच्चे कि इसका जो वॉल्यूम होगा बच्चे इस केस में और इस केस में, दोनों केस में सेम ही रहेगा ना, वॉल्यूम के साथ कोई फर्क पड़ेगा क्या बच्चे, ये जो फर्स्ट केस है बिफोर फोल्डिंग एंड आफ्टर फोल्डिंग, वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना, क्योंकि अमाउंट हमारे पास सेम है, तो दोनों वॉल्यूम हमारा सेम है, वी इज इक्वल्स टू वी, दोनों वॉल्यूम सेम है, ये बिफोर फोल्डिंग या आफ्टर फोल्डिंग, ठीक है। अब वॉल्यूम क्या है हमारे पास, बेसिकली एक वायर किसका सेप होता है, एक सिलेंडर का है तो सेप है, बस एरिया क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा है इसका, अगर मैं इसको लिखूं सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चे, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा बच्चे, फॉर्मूला पढ़ा है क्या हम लोगों ने, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना, यहाँ पे एच क्या है, एच लेंथ है, और पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया क्रॉस सेक्शन है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ क्या, 1/3 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, ठीक है। आफ्टर फोल्डिंग इसके साथ क्या हो रहा है, 1/3 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए डैश हो जा रहा है, तो मैंने इसको ए डैश लिख लिया हमने, ठीक है, इंटू लेंथ हमारे पास क्या हो रहा है, एल डैश हो गया हमारे पास, ठीक है बच्चे। हमने देखा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा ट्वाइस हो जा रहा है, क्लियरली विजिबल है, हमने देखा है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इसी को आगे प्रोसीड करूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/3 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेरे पास हो जाएगा 2a, ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा हो जाएगा 2a इंटू लेंथ, ये इस साइड में लिखेंगे, ए डैश में पुट करते हैं, क्या हो जाएगा बस 1/3 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास ए है इंटू एल इज इक्वल्स टू 1/3 जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास 2a हो जाएगा, ठीक है। हाँ बोलिए बच्चे, तो 1/3 हाँ वन, ये हमारा वो है ना वॉल्यूम हमने लिखा है बच्चे, वॉल्यूम वॉल्यूम सर पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, किसका सर, सिलेंडर का, सिलेंडर का। अभी तक रिस्पांस किसी का क्यों नहीं आया था, अभी कौन बोले, अमीषा या रुचिका, अमीषा, अमीषा, रुचिका केवल वीडियो ऑन करके बैठ गए हैं क्यों बच्चे, केवल वीडियो ऑन करके बैठ गए, नो सर, तो यहाँ पे रोकना चाहिए ना कि सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, क्यों नहीं रोक रहे थे, समय में थोड़ा नेटवर्क इशू था इस वजह से ग्लिच हो गया था। जो भी पॉइंट बोर्ड पे लिखेगा जरूरी नहीं है कि मैं हमेशा सही लिखूंगा, पहले बता रहा हूँ मैं, ठीक है, आप सभी का अटेंशन चाहिए क्लास में हमको, ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैं सब सही पढ़ा रहा हूँ, हमेशा ऑलवेज यस सर नहीं होगा क्लास में, ठीक है, कुछ चीज़ें मैं गलत यहाँ पे लिखूंगा उसको आपको बताना होगा सामने से कि सर ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें गलत हैं, समझ रहे हैं। अब पाई आर स्क्वायर है, सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे होता है ये हम लोगों ने पढ़ा होगा क्लास में, ये हमारे पास सिलेंडर है, ये हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास क्या है, पाई आर स्क्वायर है, और हाइट हमारे पास एच है, इसलिए इन टू एच कर देते हैं, इसलिए टोटल वॉल्यूम क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच हो गया हमारे पास, क्लियर। तो वॉल्यूम हमारा पाई आर स्क्वायर एच है, प्रॉब्लम बस यही है कि क्लास में पार्टिसिपेशन नहीं है, ठीक है, क्लास में पार्टिसिपेट कीजिए, रिस्पांस दीजिए प्रॉपर, और अमीषा के लिए क्लैपिंग, थैंक यू सर, नाइस बच्चे।
पार्टिसिपेट कीजिए प्रॉपर क्लास में। पाई आर स्क्वायर एच हो गया हमारे पास वॉल्यूम, ठीक है। पाई आर स्क्वायर बेसिकली है क्या बच्चे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने पढ़ा हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट क्या है, लेंथ है हमारे पास। इस केस में यहाँ पे आ जाइए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है हमारे पास, ए डैश है आफ्टर फोल्डिंग, एंड लेंथ मेरे पास क्या है, एल डैश है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेरे पास क्या है, बिफोर फोल्डिंग एल ई है, आफ्टर फोल्डिंग क्या है, टू ए है इंटू एल डैश है। यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है चीज़ें बच्चे, कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, ए से ए कैंसिल हो रहा है हमारा, एल डैश यस हमारा आ गया एल बाई टू, ठीक है। ये केवल अभी समझाने के लिए हम लोग का क्लास स्टार्ट हो रहा है, केवल समझाने के लिए सारे प्रोसेस मैंने बताया आपको कि एल डैश हमारा एल बाई टू होगा, और जब फोल्ड हो रहा है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। जब कुछ क्वेश्चन हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो ये मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ ये जानना जरूरी है कि ये बेसिक हो कहाँ से रहा है। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेरा ट्वाइस हो रहा है तो लेंथ हाफ कैसे हो रहा है, ये बेसिक जानना जरूरी है हमें, ठीक है। उसके लिए ये चीज़ें बताई गई। क्या अभी दोबारा बार बार बताने की जरूरत है क्लास में बच्चे? नो सर। ओके, यहाँ से आ गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ आ गया। अच्छा, यहाँ पर रेजिस्टेंस हमसे 4 ओम कह रहा था, अगर मैं इसको लिखूँ कुछ ऐसा कि आर इज इक्वल टू 4 ओम है, आर इज इक्वल टू 4 ओम है, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, रो इंटू फार्मूला हमको पता है एल बाई ए का फार्मूला पता है बच्चे। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ yes, जब ये फोल्ड होता है, जब ये फोल्ड होता है तब क्या हो रहा है, उस केस में क्या हो रहा है, जब ये फोल्ड हो रहा है तो हमारा रेजिस्टेंस चेंज हो जा रहा है, आर डैश हो गया, मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम हमारे पास, एल डैस हमारा लेंथ चेंज हो गया, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी मेरा चेंज हो गया, ठीक है। इनटू रो, एल डैस मेरे पास क्या है, एल बाई टू या स्मॉल एल कुछ भी ले लीजिए, एल बाई टू डिवाइड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, ट्वाइस हो गया। यहाँ से अगर आप देखोगे तो 1/4 मैं बाहर ले सकता हूँ, अंदर क्या बचेगा, रो इंटू एल बाई ए, क्लियर बच्चे। तो यहाँ से अगर रो इंटू एल बाई ए मेरे पास ये है ना, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, और इसकी वैल्यू क्या है, 4 ओम है, तो रो इंटू एल बाई ए कंप्लीट के वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, 4 ओम लिख सकता हूँ क्या कंप्लीट को, तो इसको मैं लिख दूंगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 4 ओम, मैं अगर लिखता हूँ मल्टीप्लाइड बाई 4 ओम, तो जो न्यू रेजिस्टेंस आएगा मेरा कितना आएगा बच्चे, 1 ओम आएगा क्या, यस सर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसको ट्राई कीजिए। व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ वायर ऑफ 5 मीटर लेंथ, ठीक है, 2 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ वायर ऑफ 5 मीटर लेंथ। चलिए हमारा लेंथ हमारे पास दिया है वायर का, इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ट्राई कीजिए बच्चे, सॉल्व कीजिए इसको, कमेंट में इसका आंसर पोस्ट कीजिए। ये लेंथ मेरे पास 5 मीटर है, कह रहा है कि बिना पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट अप्लाइड, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है across wire which is 2 volt at the end of wire is 5 meter, ठीक है। A current of 1 ampere is found to flow through it, 1 ampere current found हो रहा है, मतलब flow हो रहा है, 1 ampere current flow हो रहा है बच्चे यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर पूछ रहा है, हमको आई दिया है 1 एम्पियर, हमको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 2 वोल्ट, ठीक है, क्या मैं रेजिस्टेंस फाइंड कर लूंगा यहां से, यहां से जो रेजिस्टेंस आएगा मेरा आर इज इक्वल टू क्या, वी बाई आई, ओम्स लॉ की यूज से, ओम्स लॉ का यूज करेंगे, ये हो जाएगा 2 वोल्ट डिवाइडेड बाई 1 एम्पियर, यही होगा, ये क्या होगा बच्चा, रेजिस्टेंस कितना आएगा मेरे पास, 2 ओम, क्या यही हमसे पूछ रहा है क्या, आंसर यही हो yes, गया sir. क्या आंसर यही नो हो सर, हाँ आंसर सर रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है, नहीं कहाँ पे रेजिस्टेंस फाइंड करना है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर फाइंड करना है सर, पर यूनिट लेंथ यस सर, रो फाइंड करते हैं ना, पर यूनिट लेंथ रो फाइंड करते हैं सर, रेजिस्टिविटी आई मीन, अच्छा कैसे सर, किसी भी कंडक्टर का जो पर यूनिट लेंथ का जो रेजिस्टेंस होता है उसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं ना, अच्छा आप वहाँ से जा रहे हो क्या, जो आर इज इक्वल टू रो इन टू एल बाई ए, यहाँ पे हमने ए को 1 यूनिट लिया था, एल को 1 यूनिट लिया था, और ए को भी 1 यूनिट लिया था, यहाँ से आप बता yes, रहे हैं, हाँ ठीक है, यहाँ पे आइए, ये जो 2 ओम आया बच्चे कितने लेंथ का रेजिस्टेंस है,
ये जो टू तो ओम फाइव आया है, मीटर 5 मीटर का डिस्टेंस है, तो पर यूनिट लेंथ पूछ रहा है, यानी क्या पूछ रहा है, 1 मीटर बाई का। टू यस, बहुत अच्छे। इट विल बी 2/5 होगा ना, यस ठीक है। ओम मीटर, ओम पर मीटर क्या होगा, 0.4 ओम मीटर 0.4 ओम होगा पर मीटर, पर यूनिट लेंथ, यानी 1 मीटर का जो रेजिस्टेंस होगा उस वायर का 0.4 ओम होगा बच्चे, ठीक है। ओके सर यहाँ पे आ जाइए, तो 1 मीटर का तो रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया। आगे पूछा द रेजिस्टेंस ऑफ 2 मीटर लेंथ, 2 मीटर का क्या होगा, तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जीरो क्या पॉइंट एट बहुत अच्छे, इसका हो जाएगा 0.8 ओम। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है द रेजिस्टेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर इट इज डबल ऑन इट सेल्फ, जब वायर को डबल करता है, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा है, जब वायर को मैं डबल कर दूं तो क्या होगा रेजिस्टेंस, यही पूछ रहा है, ठीक है। अभी हमने जो पिछले क्वेश्चन में देखा था कि जब हम डबल कर रहे थे तो जो टोटल रेजिस्टेंस था क्या हो रहा था, 1/4 हो जा रहा था ना, यस याद है, सर 1/4 हो रहा था, तो जो मेरा जो टोटल रेजिस्टेंस आया 2 ओम, इसका क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा रेजिस्टेंस, क्लियर। वन अपॉन टू ओम 1/2 ओम, बहुत सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, देखिए कैसे करेंगे इसको। What should be the length of a nichrome wire of resistance 4.5 ohm if the length of a similar wire is 60 centimeter and resistance 2.5 ohm? कोई वायर है हमारे पास जिसका लेंथ हमको दिया है, मतलब दिया नहीं है यहाँ इस केस में तो पूछ ही रहा है, तो L1 लेंथ का रेजिस्टेंस कह रहा है 4.5 ओम, ठीक है। फिर कह रहा है कि 60 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस कह रहा है 2.5 ओम, ये हमसे कह रहा है, पूछ रहा है क्या लेंथ, ये लेंथ हमसे पूछ रहा है, L1 पूछ रहा है, कैसे बताएंगे, कुछ रिलेशन है क्या रेजिस्टेंस और लेंथ में, कोई रिलेशन है क्या बच्चे रेजिस्टेंस और लेंथ में? सर रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, सिंपल दैट फार्मूला हमें पता ही है, R इज इक्वल टू रो इनटू L बाय A, यहां से हम सिंपली लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जब आप ऐसे करोगे तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, L1 डिवाइडेड बाई 60 सेंटीमीटर, इट विल बी इक्वल टू 4.5 ओम डिवाइडेड बाई 2.5 ओम लिख सकते हैं बच्चे हम यहाँ पे, यस सर ठीक है। यहाँ से कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, करते हैं क्या कैंसिल हो, पहले ओम से तो ओम कैंसिल हो गया, ये पॉइंट से पॉइंट गया, बचा क्या, जो बचा उसको लिख लेते हैं आगे। L1 हमारे पास हो गया 45 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 60 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको आगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे क्या, यस सर 5 सेकंड्स लोड, सिंपल है, कितना आ रहा है बच्चे आंसर, 108 अच्छा कुछ कंपैरिजन दिखाते हैं यहाँ पे आपको, यहाँ पे जो 60 सेंटीमीटर लेंथ था तो रेजिस्टेंस हमारा कितना था, 2.5 ओम था, जब ये लेंथ इंक्रीज कर दिया गया 108 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, क्लियरली विजिबल भी हमको यहाँ पे, और हमने क्लास yes, में ये उसमें समझाया भी था कंडक्टर का एग्जांपल देके, क्लास में लेंथ इंक्रीज करते हैं एरिया क्रॉस सेक्शन डिक्रीज इंक्रीज करते हैं, तो एटमिक लेवल पे समझाया था क्लास में हमने ये, यस सर ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, नेग्लिजिबली स्मॉल करंट इज पास थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर, वायर का लेंथ हमारे पास दिया हुआ है 15 मीटर एंड अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास ए दिया हुआ है 6×10⁻¹² एंड इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर टू बी, आर एम को दिया है 5 ओम, सब कुछ तो दे दिया, पूछ क्या रहा है रेजिस्टिविटी पूछ रहा है, क्या फाइंड कर लेंगे बच्चे हम लोग रेजिस्टिविटी, यस सर बच्चों का क्वेश्चन है ए जी सा, रो एल अपॉन ए, सिंपल है, क्लास 1-2 के बच्चे भी सॉल्व कर लेंगे बच्चे, नहीं कर नो लेंगे सर क्यों, आप समझा दोगे तो सॉल्व करने करेंगे, पहले उनको समझाने पे सॉल्व कर लेंगे पहले आप समझाइए कि आर इज इक्वल टू रो इनटू एल बाय ए है क्या, एक बार आप उनको समझा दोगे तो आराम से इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। जो अपने छोटे भाई बहन उनको पढ़ाइए रेजिस्टेंस बैठा के, और नहीं पढ़ना चाहते जबरदस्ती पढ़ाइए कि हमको सीखना है, ठीक है।
सिंपली वैल्यूज पुट कर देना, एल हमारे पास 15 है, एरिया क्रॉस सेक्शन है, रेजिस्टेंस पुट कर देना, रो हमारे पास आ जाएगा। कोई डाउट बच्चे कैलकुलेशन में? नो सर। ओके, कैलकुलेशन में अभी कहीं दिक्कत होगा तो पूछना, पूरा कैलकुलेट करके लास्ट तक बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या पूछा है हमसे? रेडियस पूछ रहा है, ठीक है। मेटल वायर ऑफ रेस्टिविटी दिया है 1 सेंटीमीटर, लेंथ हमको दिया है, हैज रेजिस्टेंस 7 ओम, बहुत अच्छे, ठीक है। हमारे पास कुछ चीज़ें दी हैं, जरा हम तो लोग लिख लेते हैं, ठीक है। रेजिस्टिविटी यानी रो, विच इज 64 × 10⁻⁶ ओम सेंटीमीटर। लेंथ हमको दिया है 198 सेंटीमीटर। रेजिस्टेंस हमको दिया है 7 ओम, बहुत अच्छे। रेडियस पूछा, ये रेडियस किसका पूछ रहा होगा बच्चे? सर वायर का क्रॉस सेक्शन क्रॉस फाइंड कर सेक्शनल सकते एरिया, हाँ हैं, वायर एरिया से फिर डिवाइड कर देंगे। सिंपल, तो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हमारे पास फार्मूला है ना, आर इज इक्वल टू रो इनटू एल बाई ए, बस एक जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर, सिंपल लिख देंगे, और यही आर हमारा रेडियस है। कोई रोड बच्चे? यही आर हमारा रेडियस है। तो मैं अगर आर स्क्वायर के यहाँ बाहर लिखूँ, मैं ये आर स्क्वायर के मैं बाहर लिखता हूँ, क्या हो जाएगा? रो इंटू एल बाई पाई इंटू कैपिटल आर, और स्क्वायर को मैं हटा दूँ तो इधर स्क्वायर उठा जाएगा, इट विल बी आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रो इंटू एल बाई पाई इंटू कैपिटल आर। इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चे, सभी को क्लियर है यहाँ पे? ये क्रॉस सेक्शनल एरिया का पाई आर स्क्वायर मैंने लिखा, यहाँ से मुझे ये रेडियस का एक्सप्रेशन मिल गया। बस यहाँ पर रो हमारे पास है, स्मॉल एल हमारे लेंथ हमारे पास है, पाई हमारे पास है, आर हमारे पास है, सब कुछ है। क्या हम कैलकुलेट कर लेंगे रेडियस? यस इसमें इसमें कैलकुलेशन थोड़ा टफ होगा, इसको कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं कैलकुलेट हो पाता है तो इसका कैलकुलेशन का तरीका भी मैं बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हमें कैलकुलेटर तो यूज करना नहीं है, ठीक है। और अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो इसको स्क्वायर रूट निकालने का तरीका बताएंगे, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनका, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ ए वायर, लेंथ हमको दिया है, अगेन इसको लिख लेते हैं, लेंथ हमारे पास है, लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर, 0.4 मिलीमीटर इन डायमीटर, डायमीटर दिया है हमको 0.4 मिलीमीटर, एंड क्या, हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, रेजिस्टेंस हमको दिया है, सब कुछ तो है, ये सब कुछ तो है, ये क्या फाइंड कर लेंगे क्या? यस सर, क्लासिक पहले एरिया फाइंड करके फिर रो फाइंड कर लेंगे, ठीक है, सिंपल। अच्छा एरिया आप क्या पुट करेंगे, मान लीजिए अगर मैं रेडियस के टर्म में पुट करता हूँ तो पाई आर स्क्वायर पुट करता हूँ, डायमीटर के टर्म में पुट करूंगा क्या पुट करूंगा, पाई डी स्क्वायर बाय 4 पुट कर दूंगा, यही ना। या फिर आप यहाँ से रेडियस पुट कर लो और डायरेक्ट वाला फार्मूला यूज कर लो, आर इक्वल टू रो इनटू एल बाय ए। यस, इतना अच्छा फार्मूला लोगों ने दे दिया हम लोगों को, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट बच्चे मस्ट है। देखिए होता क्या है ना, हमने ये तो बता दिया यहाँ पे कि अच्छा ऐसे ऐसे कर लेंगे, ये हो गया ये हो गया, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ आंसर फाइंड कर लेंगे, इसके आगे का काम आपका है, ट्राई करना। होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है आप हमसे कहना, इस कैलकुलेशन को करेंगे कैसे वो भी बताएंगे आपके क्लास में, ठीक है। क्योंकि एक दो बार बताएंगे, मान लीजिए पहली बार में नहीं होता है कैलकुलेशन, हमको नहीं आ रहा है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये रेडियस वाला कैलकुलेशन था ना यहाँ पे, मान लीजिए रेडियस वाला कैलकुलेशन नहीं हमसे आ रहा, एक बार बता दूंगा दोबारा दूसरी बार से आप अपने आप करने लगोगे, ठीक है। मुझे बस एक बार बताना पड़ेगा, हमें दूसरी बार भरोसा आप अपने आप करने लगोगे, ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इसमें, ठीक है। थोड़ा इसमें डीप में जाना और इनको सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, कैसे करेंगे इसको भाई? रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, रेजिस्टिविटी दिया है, ओके, रो दिया है मेरे पास 1.76 × 10⁻⁸ ओम मीटर, ठीक है। फिर रेडियस ऑफ द वायर, रेडियस दिया हुआ है 1 मिलीमीटर। अच्छा 1 मिलीमीटर को मैं मीटर में कैसे लिखूंगा बच्चे? 1/1000 या फिर 1 × 10⁻³ मीटर, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/1000 मीटर भी लिख सकता हूँ। क्लियर, ये पार्ट समझ आया बच्चे, 10⁻³ वाला? यस सर। ओके, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ टेलीग्राफ वायर नीडेड टू हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ इतना। तो रेजिस्टेंस हमको दे दिया कि उस टेलीग्राफ वायर का रेजिस्टेंस इतना होना चाहिए, ठीक है, और जो वायर है उसकी रेजिस्टिविटी इतनी है, जो हमारे पास जो वायर है उसका जो रेडियस है 1 मिलीमीटर है, ठीक
ठीक है, तो हमें लेंथ कितना होगा ये पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि वो टेलीग्राफ वायर का मुझे लेंथ कितना लेना होगा, समझ गए? क्योंकि यस आप, सर, हाँ क्योंकि आप वो रेजिस्टेंस उन्होंने फिक्स कर दिया ना, इसलिए हमें एक पर्टिकुलर लेंथ का ही चाहिए होगा, उससे लेंथ से ज़रा भी आगे पीछे हुआ तो ये रेजिस्टेंस बदल जाएगा, तब 10.5 ओम रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, समझ रहे हैं? यस सर, ओके, सॉल्व होगा ये, यस सर, सेम फार्मूला अगेन, आर इज इक्वल्स टू रो इन टू एल बाई ए, यही एल तो फाइंड करना है, ठीक है, हमें यहाँ पे आर दिया हुआ है तो हम सिंपली पाई आर स्क्वायर रखेंगे एरिया क्रॉस सेक्शन। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है लेकिन कैलकुलेशन सारे करने हैं बच्चे, ठीक है, ये वीडियो आपका अवेलेबल हो जाएगा, इसको सारे क्वेश्चन को क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लिख के शाम तक ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा, ठीक है, 9 बजे से पहले, क्लियर सभी लोग? सर ऐसे ही जैसे सारे क्वेश्चंस है उसके आंसर्स। हाँ क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन लिख लीजिएगा उसके नीचे उसका सोल्यूशन लिखिएगा और ग्रुप पे पोस्ट कर दीजिएगा, आपका यहाँ मार्क कर दिया जाएगा, आपका असाइनमेंट सबमिट हो चुका है, ठीक है, जो ओके बच्चों का सर। असाइनमेंट है वो मार्क कर दिया जाएगा, बच्चों का असाइनमेंट सबमिट हो चुका है। ओके, सर ये वीडियो किस पे अपलोड करेंगे? मैं सेंड ग्रुप पे सेंड कर दूंगा बच्चा, आपको मिल जाएगा, ठीक है, आफ्टर क्लास ओवर ओके होगा सर। 1-1.5 घंटे बाद आपको वीडियो मिल जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्या है, 4 टाइम्स, ठीक है, क्वेश्चन ये कैसा है, रेजिस्टेंस वायर मेड फ्रॉम जर्मन सिल्वर, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, एज ए रेजिस्टेंस हमको दिया है, रेजिस्टेंस उस जर्मन सिल्वर का जो दिया है भाई, आर इज इक्वल्स टू 4.25 ओम दिया हुआ है, बहुत अच्छा, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर मेड फ्रॉम सेम मटेरियल, सेम मटेरियल इसका मतलब रेजिस्टिविटी सेम होगी, ठीक है बच्चे, सच दैट इट्स लेंथ इंक्रीजेज बाई 4 टाइम्स, यहाँ पे जो वायर था और ये जो दूसरा वायर हमने लिया है, यहाँ पर अगर लेंथ एल है, यहाँ पे एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, तो यहाँ पे लेंथ क्या हो जा रहा है, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीजेस बाय 3 टाइम्स, ये कह रहा है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1/3 हो जा रहा है, क्लियर बच्चे? तो फिर पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस फाइंड करना है, क्या करते रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, इस वायर का रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो अगर मैं इसको एल डैश मानूँ, लेंथ हमारा 4 टाइम्स हो गया, इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए डैश मारूँ, ये a/3 हो गया, ये हमारा r है ही है, विच इज रो इन टू एल डिवाइडेड बाई ए है यहाँ पे, यहाँ पे हमारा जो r डैश होगा विच इज रो इन टू एल डैश डिवाइडेड बाई ए डैश, कोई डाउट बच्चे यहाँ तक, क्लियर है, जैसा क्वेश्चन में दिया है बस वही हमने लिख दिया है यहाँ पे, यहाँ पर अगर आप देखो तो एल डैश को मैं 4l लिखता हूँ, यहाँ पास r डैश हुआ ना, इज इक्वल्स टू रो इन टू, इसको 4l लिख दिया मैंने, a डैश को मैं a/3 लिखता हूँ, तो ये 3 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r डैश क्या हो जाएगा मेरा 12 इन टू रो इन टू एल बाई ए, अब बेसिकली ये एल बाई है क्या, यहाँ पर अगर मैं आऊँ यही है क्या रो इन टू एल बाई ए, और यही रो एल टू एल बाई ए है क्या हमारा, ये 4.25 है, सिंपल है, यानी जो न्यू रेजिस्टेंस r डैश है मेरा, न्यू रेजिस्टेंस जो r डैश है मेरा वो क्या है 12 टाइम्स है पुराने वाले रेजिस्टेंस के, यानी आर डैस विल बी इक्वल्स टू 12 × 4.25, बहुत सिंपल है ओम, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, नेक्स्ट में आ जाते हैं, सीक बाय बैक करेंगे, हाँ बोलिए बच्चे क्या दिक्कत है यहाँ पे, सर मींस वो सारे रेजिस्टेंस ये सब पुट कर देना है उसमें यहाँ वाले पे ना, हाँ ये कंप्लीट जो आर है ये ओल्डर बन के आया, बेसिकली रो इन टू एल बाई ए ही तो है ये एक्सप्रेशन, दिख रहा है ना ये जो यस एक्सप्रेशन सर, हमने लिखा हुआ है बेसिकली ये 4.25 यही तो है पूरा रो इन टू एल बाई ए, अगर मेरे पास वही एक्सप्रेशन यहाँ पे आता है रो इन टू एल बाई ए तो क्या दोनों सेम एक्सप्रेशन है, तो मैं इसके जगह पर मैं सिंपली 12 लिख पुट कर सकता हूँ, 12 कह रहा हूँ ये 4.25 पुट कर सकता हूँ मैं यहाँ पे 4.25 बस, ठीक है, और 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप स्टार्टिंग से क्वेश्चन नंबर 1 से करवा रहे हैं जब से क्लास स्टार्ट हुई है, हाँ, नहीं ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है बच्चे, जो हमने एक्सप्रेशन पढ़ा था रेजिस्टेंस का आर इज इक्वल टू रो इन टू एल बाई ए, उस पर हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, कुछ 10-15 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो एक तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी, जिस तरह से भी क्वेश्चन डिजाइन करता है वो, रेडियस पूछता है, लेंथ ट्वाइस कर देता है, एरिया ट्वाइस कर देता है, कुछ भी करे, ठीक है, हर एक मैनर में हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा कि हाँ इस पर्टिकुलर कुछ भी चेंज कर हम रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे बेसिकली ये, ठीक है, 3-4 और क्वेश्चन है उनको भी देख लेते हैं, जैसे ये है,
कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट वुड फ्लो इन 2 आवर्स थ्रू द एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्राइंग अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर। अच्छा, सबसे पहले हमने जो शुरुआत में कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, उसके बेसिस पे है ये। कितने लोगों को याद है ये, कैसे करेंगे, कौन से फॉर्मूले होगा बच्चे? जो सबसे स्टार्टिंग हमने वो करंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कुछ, Q इक्वल टू W अपॉन T, क्या इज इक्वल टू इक्वल टू W अपॉन T, या फिर I इज इक्वल टू Q अपॉन T। यस यस सर, क्योंकि बच्चे करंट दिया है ना 0.25 एम्पियर दिया है, टाइम दिया है 2 आवर्स, और चार्ज हमसे पूछ रहा है तो ये हमारा चार्ज हो गया क्यू, ठीक है। और टाइम हमको पता है, हम सेकंड में पुट करते हैं, जो 2 आवर दिया इसको सेकंड में पुट करेंगे, क्या लिखेंगे, 2 × 60 मिनट × 60 सेकंड, सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिएगा, और 0.25 एम्पियर करंट है ही हमारे पास, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, I × T। क्लियर बच्चे? सिंपल सा है, जैसे शुरुआत में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, उसी के बेसिस पर क्वेश्चन बीच में डाल दिया गया है कि क्या मैं एक फ्लो में बह रहा हूँ तो पुरानी चीजें भूल गया क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए एक 10th क्वेश्चन हमारे पास है, अ सिलेंडर ऑफ ए मटेरियल इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, यहाँ पर आप लेंथ देखो तो इसका लेंथ हमको दिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो लेंथ है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। सर वो जो पहले वाला क्वेश्चन था, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो सर आपने कहा कि वो क्या कहते हैं 2 आवर्स था, तो 2 × 60 × 60 कर दिया, तो सर ये आवर्स तो टाइम की वैल्यू हो गई ना, टाइम की, हाँ टाइम है, जब हमने ये लिखा था, जब क्यू इक्वल टू I × T है, तो हम लोग टाइम की जगह 2 × 60 × 60 पुट कर देंगे सेकंड के लिए, हाँ इसको सेकंड में ही लिखना है, क्योंकि जब हमने लिखवाया था ना I = Q/T, हमने इसको बताया था टाइम सेकंड में है हमारा, और क्यू हमारा कूलॉम में, ठीक है बच्चे। तो इसलिए आर्स यहाँ जो भी यूनिट दिया है उसको हमेशा हम ओरिजिनल ओरिजिनल में ही कन्वर्ट करेंगे, जो हमको पता है टाइम हमारा सेकंड में ही होना चाहिए यहाँ पे, इस बात का बस ध्यान रखना है बच्चे, ठीक है। कोई डाउट यहाँ पे? नो सर। तो हो जाएगा 0.25 × 2 × 60 × 60, हाँ मल्टीप्लाई कर लीजिएगा उसको, 0.25 करंट टाइम हमारा दिया है × 2 × 60 × 60 सेकंड में, हाँ यहाँ पे थे हम, लेंथ हमारे पास दिया है क्या 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, एंड हाइज क्रॉस सेक्शन हमारे पास दिया, एरिया क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ इट्स रेजिस्टेंस अलॉन्ग द लेंथ बी 20 ओम, रेजिस्टेंस हमको दिया है 20 ओम, पूछ रहा है व्हाट विल द रेजिस्टिविटी इन नंबर्स एंड यूनिट्स, मतलब यूनिट भी साथ में पूछा है बेसिकली, फाइंड कर लेंगे क्या, सेम फार्मूला, आर इज इक्वल टू रो इन टू एल बाई ए, अगेन रो इज इक्वल टू आर इन टू कैपिटल ए बाई स्मॉल एल, क्लियर, कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या है पास 20 ओम, मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल एल क्या है पास 10 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाई एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है, नहीं रिवर्स हो गया क्या, ये एरिया क्रॉस सेक्शन याद दिया हुआ, तो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल दिया है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ये सारे वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे बच्चे हम लोग यहाँ से, यूनिट भी आ जाएगा हमारा, मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा, क्लियर, यूनिट भी आ जाएगा हमारा, मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11th क्वेश्चन है बच्चे, क्या करेंगे यहाँ पे, किसी कोई आइडिया, अ पीस ऑफ वायर रेजिस्टेंस 20 ओम, चलिए रेजिस्टेंस इसका दिया है 20 ओम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इज ड्रॉन सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज टू ट्वाइस, एक वायर है हमारे पास पहले ये ए बी, ठीक है, कह रहा है कि इज ड्रॉन सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, इसको कुछ खींच के इसका लेंथ ट्वाइस कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, मान लीजिए यहाँ से लेके इसको कुछ डबल कर देते, ये ए हो गया ये बी हो गया, इसका लेंथ ट्वाइस हो गया, मान लीजिए इसका लेंथ अगर इनिशियली एल था तो यहाँ 2L हो गया, ठीक है, इनिशियली इसका लेंथ मान लेते हैं एल था यहाँ पे, ठीक है, कह रहा है कि ओरिजिनल लेंथ, कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इन द सिचुएशन, इस सिचुएशन में रेजिस्टेंस क्या होगा वायर के साथ, यहाँ पे अगर इसका 20 ओम है इसका यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होगा,
इसको अगर मैं वैसे एक एक जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उस हिसाब से बताऊं तो बता पाओगे क्या तुरंत, पूरा डिटेल में ना जाके नॉर्मल के मैं बताऊं। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने कहा था कि ये जो एक वायर है इसको अगर मैंने डबल किया, फोल्ड कर दिया, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा 2a हो गया था ना। तो इस केस में हमने कहा था कि जो मेन रेजिस्टेंस उसका 1/4 टाइम्स रेजिस्टेंस हो जा रहा था। यहाँ पे हो क्या रहा लेंथ, यहाँ पे लेंथ को हम ट्वाइस कर दे रहे हैं, यहाँ पे हम लेंथ को ट्वाइस कर दे रहे हैं। यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो जाएगा। जस्ट इसका रिवर्स है ना, जस्ट इसका रिवर्स है। अगर इसका रिवर्स है तो जो फाइनल रेजिस्टेंस होगा क्या मैं लिख सकता हूँ क्या कि वो 4 टाइम्स हो जाएगा पुराने वाले रेजिस्टेंस का। यस सर, 80 ओम। सिंपल। तो यहाँ पे अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ट्वाइस हो रहा था तो जो फाइनल रेजिस्टेंस आ रहा है 1/4 हो जा रहा था पुराने वाले का। तो यहाँ पे अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा हाफ है तो इसका जस्ट रिवर्स होगा ना बच्चे, यानी 4 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पे अगर 1/4 टाइम्स हो रहा था तो यहाँ 4 टाइम्स हो जाएगा, इट विल बी 20 ओम मल्टीप्लाइड बाई इट विल बी 80 ओम। क्लियर बच्चे? लेकिन कॉपी yes. में कैसे करना है, जो पूरा प्रोसेस जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था ना, पूरा प्रोसेस जैसे करना है कॉपी में वैसे ही करना है पूरा प्रोसेस। ये केवल हमारे लिए है, हमारे जानने के लिए कि हम इस तरह से भी इसको अगर डायरेक्ट हम जानना चाहें तो डायरेक्टली हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कैलकुलेट द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, लेंथ दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, रेजिस्टिविटी मटेरियल दिया हुआ है, कैलकुलेट कर लेंगे क्या बच्चे? सिंपल डायरेक्ट फार्मूला, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल कैसे क्या होगा उसका? अरे रो रो दिया है ना, ये तो रो है ना, रो दिया है। और ये रेजिस्टेंस हमारा 23 ओम, ये आर दिया हुआ है, ये लेंथ हमको एल दिया हुआ है। ठीक है, और क्या पूछा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पूछ रहा है, सिंपल ए पूछ रहा है हमसे। सेम फार्मूला, आर इक्वल्स टू रो इन टू एल बाई ए। ठीक है बच्चे, यस सर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम फाइंड कर लेंगे। नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं नेक्स्ट क्लास में बताएगा, कैलकुलेशन भी बता देंगे इसका तरीका। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं बच्चे। जय हिंद सभी को। जय हिंद सर। जय हिंद।